हे गाइस, दिस इज अभिलाष और कल मैं दो मूवीज देखकर आया, वेदा और खेल खेल में। सबसे पहले मैं वेदा का रिव्यू करूंगा। टाइम्स मैंने ऐड कर दिए हैं, तो अगर आप लोगों को खेल खेल में मूवी का रिव्यू देखना है तो जंप टू दैट। तो चलो लेट्स स्टार्ट। वेदा एक ऐसी मूवी है जिसमें सोशल कमेंट्री करने की कोशिश की गई है, और इसके प्लॉट में होती है वेदा जो कि नीची कास्ट से है, और डेली बेसिस पर इसके साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है, और वो कर रहे होते हैं अपर कास्ट के गूंस, और बीच में एंट्री होती है अभिमन्यु की जो कि एक सोल्जर है। अब इस मूवी में सोशल कमेंट्री करने की कोशिश की गई है ऑनर किलिंग और कास्टिज्म वाले मुद्दों पर, और शुरू के 35 से 40 मिनट्स में ये मूवी प्रॉमिसिंग भी है। आपको इस मूवी में मिलेगा भर भर के ट्रॉमा, एक के बाद एक इमोशनली चार्ज्ड सीन्स। आपको उन सीन्स में दहशत महसूस होगी, आपको उन सीन्स में गुस्सा आएगा, और 40 मिनट के बाद सब कुछ गोबर किया इन लोगों ने। फिर उसके बाद इस मूवी ने अपना पल्ला झाड़ लिया कास्टिज्म से और ऑनर किलिंग से, और फिर ये मूवी बन जाती है एक मसाला एंटरटेनमेंट। और उसके बाद जो ऑनर किलिंग हुई है वो हुई है लॉजिक्स की, फिजिक्स की, और उससे भी बढ़कर नेशनल सिक्योरिटी की। अगर मेरा ये वीडियो इस मूवी के मेकर्स में से कोई देख रहा है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यार कैसे कर ले तो इतना घटिया काम। फिर स्टोरी का क्या हुआ? स्टोरी को आग लग गई, स्क्रीन प्ले चला गया गधे के पिछवाड़े में, पीछे बच गई एक्टिंग, और वो जॉन इब्राहिम से 15 साल से नहीं हुई तो वो इस मूवी में भी हुई नहीं। तुम खुद अपने दिल पे हाथ रख के बता दो कि इन दो मूवीज के अलावा जॉन इब्राहिम ने कब एक्टिंग कर ली। इनके पीछे बच गई शर्वरी वाघ, और उनकी एक्टिंग भी बस 39 मिनट्स तक ही थी। उसके बाद उनकी भी एक्टिंग ऐसे हवा में ही तैर रही है। मतलब तुम खुद ये मूवी देखकर बता देना कि इस पूरे ट्रेलर में बॉक्सिंग को भी एक छोटा सा मुद्दा दिखाया गया है, और इस मूवी में से वो पूरा का पूरा मुद्दा ही गायब है। पीछे बचे अभिषेक बैनर्जी और आशीष विद्यार्थी, जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी लगेगी आपको। उसके अलावा इस मूवी में कुछ भी अच्छा नहीं है, ना तो एक्शन सीक्वेंसेस इतने अच्छे हैं। इससे ज्यादा बेटर एक्शन अक्षय कुमार ने अपनी वो खिलाड़ी मूवीज वाली जो सीरीज थी उसमें करके दिखा दिए। गाने की बात करें तो यार गानों की टाइमिंग इतनी खराब कैसे हो सकती है, वो को इस मूवी से सीखना चाहिए। जैसे कि इस मूवी में एक सीन आता है जहां पर कुछ गुंडे वेदा को पीटते हैं, फिर इसके बाद तुमको लग रहा होगा कि इसके बाद हमें उस कैरेक्टर का ट्रॉमा दिखाया जाएगा, बट नहीं, उसके बाद आता है ये होली सेलिब्रेशन वाला गाना जिसमें वेदा कूद कूद के नाच रही है। मतलब ये वाला गाना आने के बाद मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं क्या बताऊं। ओवरऑल निखिल अडवाणी बनाने चाहते थे एक ऐसी मूवी जिसमें थोड़ी सी सोशल कमेंट्री हो, जिसमें कुछ मुद्दों को टच किया जाए ताकि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी वाला स्टैंप लगा के इस मूवी को बेचा जाए, और फिर सेकंड हाफ में ये मास मसाला हो। बट उनसे गलती से गई सत्यमेव जयते का नेक्स्ट पार्ट। तो भैया मेरी मानो तो इस मूवी को देखने से बचो, और अपने आसपास वालों को भी बचाओ। और निखिल आडवाणी को मैं मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई अगर मूवी नहीं बन रही तो मत बनाओ, इतने सेंसिटिव इश्यूज को मत खड़ा करो अपनी मूवीज में जब तुमसे वो इश्यूज पे बात नहीं हो रही है। तो अबे घर बैठो गांजा वांजा फूको बे, हमको भी बख्शो थोड़ा सा, तुम्हें हमको तंग करके क्या मिलता है बताओ। खैर अब नेक्स्ट रिव्यू पर चलते हैं जो कि है खेल खेल में मूवी का। अब ये एक हल्की फुल्की सी कॉमेडी है जिसमें कि चार दोस्त होते हैं, उनमें से होती हैं तीन की बीवियां और एक होता है सिंगल। ये सब एक जगह पर गैदर होते हैं शादी के हिसाब से, और फिर एक रात को ये खेल खेलते हैं कि भाई सब अपने अपने फोन जो है वो टेबल पर रख दो, फिर नेक्स्ट जिसका भी कॉल ईमेल मैसेज वगैरह कुछ आए तो वो पढ़ के सबको सुनाएगा, और फिर वहां से मूवी आगे से आगे आगे से आगे बढ़ती है। अब जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं कि ये जो मूवी है वो रीमेक है इस मूवी का, जिसके ऑलरेडी 25-26 रीमेक बन चुके हैं, और मैंने इनमें से कोई भी नहीं देखा, तो मेरे लिए ये मूवी एक फ्रेश मूवी थी। और स्टोरी के हिसाब से ये बस स्टोरी है, मतलब कुछ कहानी है। अच्छा चलो इवेंट टू इवेंट हम लोग इस मूवी में जंप करते हैं। जैसे अगर एक का कोई मैसेज आया तो वो सबको पढ़ के सुनाया, उस पर थोड़ा सा हंसी मजाक हुआ, थोड़ा सा रोना धोना हुआ, एंड देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट टारगेट। और बस ये पूरी मूवी में ऐसा ही था, कोई भी ऐसा हाई और लो वाला मोमेंट नहीं था, बस डिसेंट तरीके से ये एंगेजिंग वे में चलती रहती है मूवी। अब इस पूरी मूवी में कॉमेडी वाला पार्ट वॉज गुड, स्पेशली अक्षय कुमार के हिस्से में जितना भी था उन्होंने उस हिस्से में बेहतरीन काम किया है। उनका हर एक डायलॉग, उनका हर एक जोक अच्छे से लैंड करता है परफेक्टली, और ये चीज मैंने एक नोट की थी सरफिरा मूवी में और वो इस मूवी में भी है कि वो पुराना वाला अक्षय कुमार बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ही इज एक्चुअली सेटिस्फाइड विद द स्क्रिप्ट, और वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी खुद की एक्टिंग, और वो एक सेटिस्फेक्शन वाली जो चीज है ना वो आपको इस मूवी में उनके चेहरे पर दिखेगी, और इसी वजह से वो अपने कैरेक्टर में फिट भी बैठते हैं। इनके बाद एमी विर्क और तापसी पन्नू, इनकी जोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी थी, बट अगेन एमी विर्क के कैरेक्टर को बहुत डंप डाउन किया है इस मूवी में भी, और ये सेम चीज मैंने बैड न्यूज के रिव्यू में भी कही थी। इनके बाद फरदीन खान की ऑन स्क्रीन प्रेजेंस वॉज पावरफुल, बट वो बहुत सारे पोर्शंस में ना ऐसे लेजी लेड बैक और रिलैक्स्ड थे, तो मुझे लगता है वहां पर थोड़ा सा एनर्जेटिक हुआ जा सकता था। ऑल्दो वो अपने पार्ट में शाइन करते हैं बट स्टिल कुछ कमी थी। अब इसके बाद की जो भी कास्ट बच गई ना वो ओके है, वहां पर बस डायलॉग्स बोलने के लिए कोई एक चाहिए था तो इसलिए ये बाकी की कास्ट एग्जिस्ट करती है, और इनमें से एक है वाणी कपूर जिन्होंने अभी तक एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं की है। बट ओवरऑल ये मूवी देखते वक्त मेरे दिल में एक ही चीज चल रही थी कि यार
यार अभी पिछले महीने सरफिरा मूवी बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप होकर गई है, उसके बाद आ गई ये वाली मूवी और इस मूवी को भी फ्लॉप का टैग मिलने ही वाला है क्योंकि ये मूवी बहुत बड़े लेवल पे कोई ऑडियंस को इकट्ठा करके थिएटर में नहीं बुला पाएगी। बट अगर यही फिल्म अक्षय कुमार 2 से 3 साल बाद लेकर आते हैं तो ये मूवी सुपरहिट होने से कोई नहीं रोक सकता था, बिकॉज राइट फ्रॉम द ट्रेलर टिल द एंड ऑफ द मूवी अक्षय कुमार वॉज फैंटास्टिक। बट उसके बावजूद ये मूवी एक प्रॉपर ओटीटी रिलीज डिजर्व करती है, तो थिएटर जाके देखना ऐसा मैं किसी को नहीं कहने वाला। 2-3 महीना वेट कर लो, नेटफ्लिक्स पर आ जाएगी तब जाके देख लेना। पेरेंटल गाइडलाइंस में इस मूवी में कोई भी सेक्स सीन्स, न्यूड सीन्स और गालियां नहीं है और ये डिसेंट सी वन टाइम वॉच है। और ये था मेरा रिव्यू वेदा मूवी और खेल खेल में मूवी का। ये दोनों रिव्यू अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक ध्यान रखो अपना, बी ऑसम, बाय बाय।